नमस्कार, आई एम डॉक्टर शालिनी अग्रवाल. आई एम प्रिंसिपल कंसल्टेंट इन ऑब्जन गायनी इन क्लाउड 9 हॉस्पिटल पटपड़गंज दिल्ली. ऑल्सो मेरा अपना क्लिनिक है आराध्या मदर एंड चाइल्ड केयर इंदिरापुरम गाजियाबाद में. एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ मैं. आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में, जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल कैंसर. नाम शायद आप में से कुछ लोगों ने इसका सुन रखा होगा कि सर्वाइकल कैंसर नाम की भी कोई बीमारी होती है. तो सबसे पहले कि आज मैं इसके बारे में बात ही क्यों कर रही हूँ, इतनी सारी बीमारियां हैं, व्हाट इज दिस सर्वाइकल कैंसर. तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि सर्वाइकल कैंसर अनफॉर्चुनेटली इज नंबर 1 कैंसर इन इंडिया इन विमेन. औरतों में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है सर्वाइकल कैंसर. आज की डेट में हर 8 मिनट में एक औरत की मृत्यु सर्वाइकल कैंसर के कारण होती है. परंतु ये इतना छुपा छुपा सी बात है कि हम में से काफ़ी लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं और ये भी नहीं समझते कि सर्वाइकल कैंसर एक्चुअली बीमारी है क्या. तो सर्विक्स जो होता है वो बच्चेदानी का एक हिस्सा होता है. यूट्रस का माउथ, यानी जो माउथ जिससे कि बच्चे की डिलीवरी होती है, उस हिस्से को सर्विक्स कहते हैं. और इसी हिस्से के कैंसर को कहा जाता है सर्वाइकल कैंसर. सर्विक्स, सर्वाइकल कई बार हम गर्दन से भी एसोसिएट करते हैं. स्पाइन के इस हिस्से को भी सर्वाइकल स्पाइन कहा जाता है. पर जिस सर्वाइकल कैंसर की हम बात कर रहे हैं वो औरतों का एक अंदरूनी अंग है, बच्चेदानी का मुंह है, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं. इसी कारण इसकी अवेयरनेस में भी थोड़ी कमी है, क्योंकि एक अंदरूनी अंग है और ज़्यादातर लोग इसके बारे में या तो जानते नहीं हैं या बात नहीं करते. परंतु अनफॉर्चुनेटली ये हमारे देश में नंबर 1 कैंसर है जो कि औरतों की मृत्यु का कारण बना हुआ है. तो ये कैंसर होता क्यों है? जैसे कि बाकी सारे कैंसर्स होते हैं, इसी तरह इस कैंसर के होने के भी मल्टीपल रीजंस होते हैं. जेनेटिक रीजंस प्रोमिनेंट होते हैं, यंग एज में शादी, मल्टीपल बच्चों का होना, स्मोकिंग. बट इन सब से इम्पॉर्टेंट कारण होता है एक वायरस जिसे कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV. ये वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है इस कैंसर के होने के लिए. ये वायरस मल्टीपल तरह के सब टाइप्स में पाया जाता है, जिसको हमने अलग अलग नंबर दे दिए, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 18 वगैरह वगैरह. इनमें से कुछ टाइप्स जो होते हैं इस वायरस के, वो ज़्यादा एसोसिएटेड हैं, ज़्यादा कॉमन हैं कैंसर कॉज करने के लिए. तो अब सबसे पहला सवाल कि अगर ये इतना कॉमन कैंसर है तो इससे बचा कैसे जाए? बचाव थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, क्योंकि इसके होने के, जैसे कि मैंने कहा, मल्टीपल रीजंस होते हैं. जब मल्टीपल रीजंस होते हैं तो हर बार कैंसर से सिंपली बच पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है. परंतु आज हमारे साइंटिस्ट्स ने हमारे हाथ में एक ऐसा वेपन दे दिया है जो कि इस कैंसर से लड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध हो रहा है, और वो वेपन है सर्वाइकल कैंसर की एक वैक्सीन. कुछ दशकों से, लास्ट अबाउट 2 डेकेड से, ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन हमारे हाथ में और मार्केट में आई हुई है. और बाहर देशों में तो इसका प्रयोग काफ़ी कॉमनली होता है. हमारे देश में भी अब इसका प्रयोग थोड़ा सा ज़्यादा होने लगा है और बढ़ता जा रहा है. जैसा कि आप सब ने पढ़ा भी होगा कि भारत में भी इंडियन साइंटिस्ट्स ने एक बहुत ही चीप वर्जन इस वैक्सीन का अब निकाला है, जिसको देने से हम इस कैंसर से बचाव में बहुत तरीके से सक्षम हो सकते हैं. तो क्या है ये वैक्सीन? जैसे कि आप बच्चों को, छोटे बच्चों को, नवजात बच्चों को पैदा होने के बाद बीमारियों से बचने के लिए टीका लगाते हैं, इसी प्रकार ये सर्वाइकल कैंसर से बचने का एक टीका है. क्योंकि इसका कारण एक वायरस है, तो जैसे बाकी बीमारियों को, बाकी वायरसेस और बैक्टीरियाज को हम दूर रखते हैं एक वैक्सीनेशन के द्वारा, टीके के द्वारा, इसी प्रकार इस कैंसर से बचने के लिए भी एक टीका बना है, जो है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन. इसको दिया जाता है आइडियली 10 से 14 साल की या 10 से 15 साल की लड़कियों में. वहाँ पे 2 डोज दिया जाता है इस वैक्सीन का 6 महीने के अंतराल पे, और ये बहुत सहायक है सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस कम करने में. जिन जिन देशों में इस वैक्सीन को यूज़ किया गया है, वहाँ वहाँ पर टोटल इंसिडेंस या टोटल नंबर ऑफ लोग जिनको सर्वाइकल कैंसर हो रहा है, उसमें काफ़ी हद तक कमी आना
देखा गया है। तो ये वैक्सीन हम 10 से 15 साल तक की लड़कियों को लगाते हैं, वो आइडियल समय है, परंतु यदि उस टाइम पे नहीं लग पाए तो अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज ये परमिटेड है हमें वैक्सीन लेना, क्योंकि कैंसर तो हमें 65-70 साल की उम्र तक कभी भी हो सकता है। तो यदि आपने नहीं लगवाई है तो आप ये वैक्सीन निश्चित रूप से लगवाएं। हालांकि इसका प्रोटेक्शन 11 से 15 साल में बेस्ट है, उसके बाद थोड़ा प्रोटेक्ट करने की इसकी काबिलियत थोड़ी कम हो जाती है, परंतु फिर भी ये गुड 80-90% रिडक्शन कैंसर में कॉज कर सकता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया प्रोटेक्शन है जो हमारे हाथ में है। दूसरा लेवल का प्रोटेक्शन आता है जिसे हम सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रोटेक्शन कहते हैं। मतलब क्या? मतलब कि बीमारी को बहुत ही अर्ली स्टेज में पकड़ लेना। जैसे कि सारे कैंसर्स के साथ दिक्कत होती है, कैंसर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कैंसर इतनी बड़ी हवा और इतनी बड़ी बीमारी क्यों है? क्यों हम उसका ट्रीटमेंट नहीं बहुत अच्छी तरीके से या फुल्ली तरीके से नहीं खोज पाते? क्योंकि कैंसर का मतलब ये होता है कि कुछ सेल्स हमारे शरीर के ऐसे हो जाते हैं जो कि सिर्फ बढ़ते चले जाते हैं, और वो बढ़ते बढ़ते बाकी सारे शरीर के सेल्स या बाकी सारे शरीर के हिस्सों पर भी धीरे धीरे कब्जा करने लगते हैं और वहाँ बढ़ने लगते हैं। इतनी एक्सेस बढ़त जो होती है कैंसर के सेल्स की, वो सारी का सारा हमारे पोषण को ख़त्म कर देती है और बाकी सारे अंगों पर धीरे धीरे करके असर करने लगता है। इसीलिए कैंसर का ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जहाँ शुरू हुआ वहाँ न रहकर बाकी पूरे के पूरे शरीर में फैल जाता है और हर जगह पे इसका ट्रीटमेंट हमें ढूंढना पड़ता है डिफरेंट टाइप ऑफ दवाइयों के कारण। तो कैंसर लेकिन इतना देर में पकड़ में भी इसीलिए आता है क्योंकि जब तक ये किसी प्रकार की दिक्कत करता है, जब तक आपको पता चलता है कि मुझे कुछ दिक्कत हो रही है और मुझे डॉक्टर के पास या जाके दिखाना चाहिए या देखना चाहिए, तब तक ऑलरेडी ये बीमारी काफ़ी बड़ी स्टेज में, स्टेज 2, 3 या 4 में आ चुकी होती है, और फिर उसके बाद नेचुरली इसका ट्रीटमेंट थोड़ा और डिफ़िकल्ट होता चला जाता है। तो आइडिया किसी भी कैंसर के अच्छे ट्रीटमेंट का ये होता है कि हम उसको उस स्टेज में पकड़ लें जबकि वो बहुत ही शुरुआत के दौर में है और शायद उसने अभी अपना असर दिखाना कहीं पे शुरू भी नहीं किया है। तो इस कैंसर को इस दौर में पकड़ लें हम जबकि ये बिल्कुल शुरू ही हो रहा है, बहुत ही शुरुआती दौर में है, उसको चेक करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसे हम कहते हैं पैप स्मियर। पैप स्मियर एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जिसमें हम सर्विक्स के ऊपर से एक थोड़ा सा पानी लेते हैं वहाँ का और उसको टेस्टिंग के लिए आगे भेज देते हैं। इस पानी में सर्विक्स के सेल्स होते हैं, उनको जांच करने से हम ये बता सकते हैं कि क्या इनके अंदर कुछ ऐसी शुरुआत हो रही है जो कि आगे चलकर कैंसर को जन्म दे सकती है या कोई बहुत अर्ली स्टेज का कैंसर ऑलरेडी जन्म अंदर ले रहा है। नेचुरली अगर आप बीमारी को इतनी शुरुआत के दौर में पकड़ सकते हैं जबकि वो जस्ट स्टेज 1 या इवन प्री कैंसर की स्टेज में है, तो उसका ट्रीटमेंट 100% पॉसिबल होता है। तो इसलिए ये पैप स्मियर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो कि हर शादीशुदा या सेक्सुअली एक्टिव लड़की को शुरुआत से लेके लगभग 65 ईयर्स की एज तक हर 2 से 3 साल में कराना चाहिए। इसको रिपीटेडली कराने से अगर कोई बीमारी अंदर पनप रही होती है तो उसको हम अर्ली दौर में पकड़ लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट फिर नेचुरली ऑलमोस्ट 100% पॉसिबल हो सकता है। तो ये 2 मेन वेपन्स हैं हमारे हाथ में जो कि सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट में सहायक हैं, एक वैक्सीन लगवाना और दूसरा पैप स्मियर। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, वैक्सीनेशन भी करते हैं और पैप स्मियर भी करते हैं। वैक्सीनेशन मोर देन 95% प्रोटेक्शन देती है और पैप स्मियर बहुत अर्ली स्टेजेस में प्रॉब्लम को पकड़ लेती है। तो जहाँ वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा वहाँ पैप स्मियर पकड़ लेगा, और जहाँ पैप स्मियर अपना काम नहीं कर रहा वहाँ वैक्सीनेशन अपना काम करेगा। दोनों चीज़ें मिलकर एक बहुत ही अच्छा प्रिवेंटिव टूल है हमारे हाथ में जो हमें इस बड़ी बीमारी से बचा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे और इस बीमारी से बचने के साधनों का इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू।